उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को जांजगीर में अपने प्रभार वाले लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीनों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को विभागीय कामकाज के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। श्री साव ने साथ ही कहा कि पीएम आवास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक प्रभावी ढंग से शत प्रतिशत पहुंचाने की पहल की गई है। अभी 300 करोड़ से अधिक की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए जारी किया है अधोसंरचना मद पर। आगे भी नगरीय निकायों को हर संभव सरकार की ओर से मदद होगा ताकि नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सके। शहरों का सुव्यवस्थित विकास, योजनाबद्ध ढंग से शहर का काम हो, आने वाली भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। पाटलिपुत्र जिले में मेरे पास जो तीन विभाग हैं, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन, इन तीनों विभाग के कामों की मैंने समीक्षा की, कामों की प्रगति को जाना, कौन सी योजना कहां तक पहुंची है, इन सब बातों की चर्चा की, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गुणवत्ता युक्त काम कराएं, समय सीमा पर काम को पूरा कराएं और नियमित रूप से कामों का मॉनिटरिंग करें, निरीक्षण करें ताकि काम ठीक प्रकार से हो। जो हितग्राही मूलक काम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, प्रधानमंत्री आवास, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत का कार्ड, ऐसे जो हितग्राही मूलक काम है उन कामों को ठीक प्रकार से लागू करें और शत प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से निर्देशित किया है। और निश्चित रूप से विभाग के कामों में अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि नगर पंचायत, नगर पालिका के सीएमओ सवेरे 6-6:30 बजे से निकल रहे हैं पूरी टीम के साथ, नगर में चल रहे कामों की, स्वच्छता की लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं और आने वाले समय में और विभाग के कामों में तेजी आएगी और लोगों को लगेगा, अंतर महसूस होगा और लोगों तक सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से पहुंचेगी। आप सबने ध्यान दिया होगा कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, इसलिए जांजगीर जिले की कोई उपेक्षा होने का सवाल ही नहीं है। सरकार की योजनाएं सब तक पहुंचे, सबको लाभ मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक सवाल और रहता है।